नमस्कार, मैं हूं कोमल राठौर और आप देख रहे हैं खबर अर्पण न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ग्वालियर में आयोजित जन सुनवाई में पहुंचे अजय झा ने शिकायत की कि पंकज पांडे द्वारा ठगी करने की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। मेरा नाम अजय झा है। अजय, क्या समस्या है? सर, मैंने एक ये पंकज पांडे जी को एक गाड़ी बेची थी शिफ्ट डिजायर। सर, एक्चुअली मैंने वो गाड़ी खरीदी थी किसी से, तो मेरे पैसा मैनेजमेंट हो पा रहा, तो मैंने कहा मैंने भैया मैंने जो पैसे दिए हैं ना, तो वो पैसे आप दे दीजिए। सर, उन्होंने क्या है, मैंने 4,50,000 रुपये में गाड़ी बेची, 3,90,000 रुपये मुझको देखे गए, बाकी का पैसा 1,000 रुपये पे स्टाम्प पर लिखा पड़ी करा ली, वो मेरे पास है अभी बिल्कुल सामने रखा है। तो मैंने पैसा मांगा आपको तो पैसा नहीं दिया। दूसरी बात, उन्होंने कुछ लड़कों से मेरे से सर धमकी भरी फ़ोन दिलवाई, इनका नंबर मेरे पास है और आए दिन तक पैसा नहीं दे रहा। फिर एक दरोगा जी आए जो अटे थाने में है, भूपेंद्र सिंह अतुल सिंह भदौरिया जो अटे थाने में है, वो मेरे पास आए गाड़ी से ड्रेस में आए, वो कहते गाड़ी मैंने ली है और आपको गाड़ी वापस करना पड़ेगी। नहीं श्रीमान जी, मैं गाड़ी वापस नहीं करूँगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं करवा लूँगा अपने हिसाब से। फिर वो थोड़ी देर बाद 8-10 लोगों को लेके आ गए सिन्नम सिंह वकील के पास तानसेन नगर में, तो मैंने उनसे मेरा थोड़ा चंट हो गई, मैंने साहब मैं वापस नहीं कर पाऊँगा। फिर उन्होंने वो चले गए, बोले शाम तक मैं देखता हूँ। शाम तक सर 2-4 लोगों के फिर मुझे फ़ोन आए, फिर सब एक मुरैना जी 28 तारीख की बात है। आप क्या चाहते हैं? मैं सर ये कार्रवाई चाहता हूँ सर, मेरे तो पैसे मिल जाए सर, मैं गरीब आदमी अपना अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ। कहाँ रहते हैं आप? सर, मैं 4 शहर में आके हजरा ग्वालियर रहता हूँ। अच्छा, गाड़ी किसने बेची थी? इकराम खान। एग्रीमेंट पर ली थी? हाँ जी, एग्रीमेंट पर ले ली थी मैंने साहब। हमने आपने गाड़ी वापस लौटा दी? नहीं, गाड़ी उनके पास ही है साहब। गाड़ी पैसे कितने बकाए आपके? मेरे अभी 60,000 रुपये बकाया है। आप क्या चाहते हैं? साहब, मैं तो अपना पैसा चाहता हूँ और अपनी गाड़ी ट्रांसफर करा ले, अभी कोई घटना हो जाती है तो उनसे मेरा एग्रीमेंट है साहब, मैं फंसूंगा उसमें। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी कह रहे हैं कि आप हजीरा जाके आप मिल लेना, और हजीरा उससे पहले मैं 3 बार जा चुका हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बिल्कुल आवेदन लेके गया, उससे कुछ नहीं हुआ। बरही स्थित जिनेश्वर धाम तीर्थ पर आयोजित होने जा रहे श्री पंच कल्याण महोत्सव की तैयारियों को लेकर महावीर भवन में जैन समाज की एक बैठक आयोजित की गई। आदरणीय श्रीमान पारस जैन साहब, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया वो पधारे और मुनि श्री के चरणों में शरीफा अर्पित कर संस्थाओं के सम्मानित के सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे सभी लोग तैयार रहें मुनि श्री के चरणों में। प्रकार से देवों की वाणी चलती है, उसी प्रकार से उस वाणी को सुन के हमारे समाज के गौरव वाणी भूषण पंडित श्री अजित कुमार जी शास्त्री और उनकी धर्म सृष्टि धर्म पत्नी श्रीमती मनोरमा जैन के ये भाव थे कि जिस प्रकार से श्रावक का देव दर्शन करने के बाद अंग चयन ग्रहण करने का जो नियम है वो कैसे परिपूर्ण हो। बरसों तक उनकी भावना रही कि मेरे समाज के द्वारा मेरे द्वारा इस प्रकार से कोई तीर्थ क्षेत्र डेवलप हो जो सड़क मार्ग से और रेल मार्ग से भी श्रावक जन दर्शन करके अपने श्रावक धर्म का उत्कृष्ट पालन कर सके। मैं उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अपने इतने व्यस्ततम जीवन में से कुछ क्षण निकाल करके एक तीर्थांचल जैसे ट्रस्ट को डेवलप करके वो आज हम उसकी भव्य प्रतिष्ठा पंच कर
कर्नाटक की प्रतिष्ठा के लिए चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हम और ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि जिन राष्ट्र संघ के चरणों में हिंदुस्तान के सबसे साझे का चाहे वो राष्ट्रपति जी हो, चाहे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, उनके चरणों में नतमस्तक होकर के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसे गुरुदेव के स्वयं शिष्य मुनि श्री अक्षर सागर जी महाराज। जबलपुर से चलकर हजरत निजामुद्दीन की तरफ जाने वाली जबलपुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस से बीती रात एक 14 पहिया ट्रॉला टकरा गया। टकराने के बाद ट्रॉला घिसटता हुआ दूर तक चला गया। हादसे में जनरल बोगी के गेट पर बैठी कई यात्री घायल हो गए। कुछ यात्री ट्रैक पर गिर पड़े। घायलों की संख्या 12 से अधिक बताई जा रही है। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जबलपुर से चलकर हजरत निजामुद्दीन की तरफ जाने वाली जबलपुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस से बीती रात एक 14 पहिया ट्रॉला टकरा गया। टकराने के बाद ट्रॉला घसीटता हुआ दूर तक चला गया। हादसे में जनरल बोगी के गेट पर बैठे कई यात्री घायल हो गए। कुछ यात्री ट्रैक पर गिर पड़े। घायलों की संख्या 12 से अधिक बताई जा रही है। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही तत्काल रेलवे स्टाफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को जयरोग अस्पताल पहुंचाया। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात को ट्रेन नंबर 22181 डाउन जबलपुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस ग्वालियर स्टेशन से निजामुद्दीन की ओर जा रही थी। ट्रेन ग्वालियर छोड़ने के बाद करीब 1:15 बिरला नगर और रायरू के पास पहुंची ही थी कि तभी अचानक एक 14 पहिया ट्रॉला क्रमांक AP07TH7569 के पिछले भाग डाला से टकरा गया। ट्रेन से टकराई ही ट्रॉला साइड से इंजन को छोड़कर जनरल बोगी में HA1 बोगी तक घसीटता चला गया। इस ट्रेन में मौजूद RPF स्टाफ ने घटना की सूचना दी। घटना के कारण जनरल बोगी के गेट के पास बैठे व खड़े कई यात्री घायल हो गए। सर ये हुई है, अलीगढ़ से लगभग 4-5 किलोमीटर गाड़ी चली वहाँ से ग्वालियर से सर। तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अचानक से आगे मतलब ऐसा हुआ होगा, ट्रक जो है ना क्रॉस कर रहा होगा तो क्रॉस नहीं कर पाया होगा, तो इंजन उसे टकराया तो ट्रक जो घूम गया होगा। तो आगे की 3-4 जो बोगियाँ जनरल वाली उनसे वो टकराया है। उसमें जो आगे मतलब यात्री लोग बैठे थे मतलब सीढ़ी पे चढ़ने वाले पायदान पे, तो जो ट्रक का जो हिस्सा रहता है जो वो मतलब यात्रियों से टकराया है। बहुत घायल हुए हैं और 2 लोगों के साथ पैर भी कट गए हैं। एक बंदा तो गिर गया, उसका पता ही नहीं है कहाँ गया। अच्छा, लापता है वो। आप कहाँ रहते हैं? हाँ, आप कहाँ रहते हैं? मैं मथुरा पे रहता हूँ। क्या करते हैं? मैं अभी कुछ नहीं, जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, मतलब कोचिंग करता हूँ। कौन सी ट्रेन थी ये? थी निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस। कहाँ जा रही थी? ये निजामुद्दीन जा रही थी। हाँ, दिल्ली। जबलपुर? हाँ, जबलपुर। कर हुई है ट्रक से जो आंध्र प्रदेश का ट्रक बताया गया और वो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन सी ट्रेन थी, क्या नंबर था? 22181 डाउन जबलपुर निजामुद्दीन। ये अभी ये कोई जानकारी नहीं है मुझे। ये रायरू के पास की जाए। 7 लोग घायल हैं इसमें। आपका नाम सर? डॉक्टर गौरव गुप्ता। नितिन है? नितिन कुमार। दूसरा है अमित, आशीष, रवि डागर और मनीष कुमार। अभी बयान लेंगे हम, लिखेंगे तो आगे कार्रवाई चलेगी। घटना का भी हमने बयान लेंगे तो बता पाएंगे। ट्रेन में कहीं यात्रा कर रहे थे ये लोग? ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, उससे वो टकराया। एक ट्रक टकराया है कहीं? कौन सी? रायरू 22182 से। 22181 से। गोंडवाना जबलपुर निजामुद्दीन। ठीक है, ठीक है, ओके। बाल भवन
में वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान द्वारा 75 वर्ष से ऊपर के वृद्ध जनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर अनुराग चौधरी, एसपी नवनीत भसीन मौजूद रहे। कार्यक्रम में 200 से अधिक वृद्ध जनों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के संयोजक भूपेंद्र जैन थे। 100 नंबर के बारे में जानते होंगे, 100 नंबर गाड़ी देखी है आपने, सफारी सफेद रंग की। वो 100 नंबर का जो सिस्टम है वो ये है कि अगर आप कहीं पे आपको लगता है कि कोई आप घर में अकेले हैं, माता पिता वाला मंदिर है, तो मैंने मतलब कहना है कि उस मॉडल को हम आपसे चर्चा करके कोई भी दो आप मॉडल मॉडल में इंप्लीमेंट कराइए, क्योंकि आपकी सुरक्षा में इंप्रूव होना है सके और आपसे इंटरेक्शन हमारा होता रहे और आपका आशीर्वाद सदर पुलिस और पुलिस विभाग को आप पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। दुकान पे आजकल कुछ ज्यादा ही अमर लोग खड़े हो रहे हैं, बच्चे फलों पे सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, जो बच्चियां निकल रही हैं उनको कुछ कमेंट कर रहे हैं, बट आपको लग गया है मतलब सर्टिफाइड है, आपकी नजर गलत नहीं हो सकती, आपका अंदर उतना लंबा है कि आपको लग गया कि दुकान पे आजकल केवल किराना में बच के बस गड़बड़ कर रहा है, तो आप उसके बारे में हेल्पलाइन नंबर पे 3-4-5 लाइन व्हाट्सएप लिख दीजिए। 101 ऐसे लोग जो नवरत्न देते हैं, 101 रत्न आप लोग हैं, इनका सम्मान करने की याद आ रही है, उनके परिवार के जन यहाँ पे मीडिया और विभिन्न सामाजिक संगठनों से आए हुए आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। मैं केवल एक जैसे लाइफ में आप लोग उस स्टेज में आपने लाइफ में सब कुछ देख लिया है, आपने बचपन वाला पोर्शन देख लिया है जिसमें आप लोग माँ बाप के पास थे, फिर आपने गृहस्थ वाला जीवन भी देख लिया है, आप लोगों में से जिन लोगों ने जो भी आजीविका का जो साधन चुना होगा वो भी देख लिया है, अब आप लोग एक मार्गदर्शक की भूमिका में है समाज की। बेसिकली सामाजिक न्याय निशक जग कल्याण विभाग और नगर निगम ने वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान को हेल्प करते हुए शहर के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सम्मान जीने का एक प्रयास किया है। इसमें लगभग 200 ऐसे लोग हैं जिनको अपन ने सम्मान किया, सभी 75 वर्ष से ऊपर के हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अधिकतर पढ़े लिखे हैं और नगर निगम और भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन की जो मुहिम है अवॉइड प्लास्टिक और नो टू प्लास्टिक, उस पर भी इन्होंने सबने अपनी सहमति दी है और हमें ये आश्वस्त किया कि कम से कम 1 टन प्लास्टिक ही हमें जो मतलब कचरे और सड़कों से बीन के देंगे। मैं बिल्कुल सलूट करता हूँ और सम्मान करता हूँ ऐसे जाबाज वरिष्ठ नागरिकों का जो इस नगर निगम की मुहिम में हमारे साथ जुड़े हैं, और निश्चित रूप से उनका हम आगे भी सम्मान करते रहेंगे और समाज की मुख्य धारा से वो हमारे साथ रहें, हमारे सहभागी बने, हमारे मार्गदर्शक बने, ये हम चाहते हैं। है ना, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इतने इतने बुजुर्ग डॉक्टर एसआर अग्रवाल, तिवारी जी, शर्मा साहब, कम से कम 40% लोगों को तो मैं ही बाई नेम जानता हूँ और मुझे पता है कि वो समाज के बहुत ही मतलब जागरूक वरिष्ठ नागरिक हैं और वी होप कि जो है शहर के बेटरमेंट में उनका उनके एक्सपीरियंस का हम लाभ उठा सकें। हाँ, वो उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन वो भी बिल्कुल ही मतलब जिसका वेलकम किया जाना चाहिए। जांच के दौरान हुई नवविवाहिता की मौत से आक्रोशित परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। घटना ग्वालियर की ही है। परिजनों का आरोप है कि मरीज के उपचार में लापरवाही बरती गई। चक्का जाम की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और स्थिति को संभाला। नौर गांव से 27 सितंबर को बुखार से पीड़ित हसीना बानो को उसके पति असगर और ससुर अलाउद्दीन खान ने ग्वालियर के निजी अस्पताल वेदांश में उसे भर्ती कराया था, लेकिन हसीना बानो की स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा था। देर रात हसीना बानो की अचानक तबीयत खराब हो गई। मरीज के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे सलाह दी कि आप इन्हें किसी और अस्पताल में ले जाएं। परिजनों का ये भी आरोप है कि उनके मरीज की देर रात ही मौत हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें सुबह तक बताया जिससे
आक्रोशित परिजनों ने हसीना बानो के सब को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चक्का जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना कंपू की पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर चक्का जाम खुलवाया और हसीना बानो को के सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि घटना की पूरी जानकारी ले रहे और उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अल्लादीन खान, क्या मैंने मेरी बहू को केवल फीवर था तो मैं 27 तारीख को शाम को 5:30 बजे करीब ने वेदांत हॉस्पिटल में लाया था। इसमें मैंने बहू को भर्ती एडमिट किया। एडमिट करने के बाद में इन्होंने जाँचें की, CBS जाँचें करवाई तो उसमें कुछ प्लेटलेट कम थी, दूसरे दिन फिर बढ़ गई, फिर तीसरे दिन खत्म वो कम हो गई थी। तो उसके बावजूद इन्हें जो बोतलें जो चढ़ा रहे थे इंजेक्शन लगा लगा के, उनसे दो बार मेरी बहू को इन्फेक्शन हुआ। शरीर मतलब ऐसे कपने लगा था और कपने के बाद मैंने इनसे मना किया कि ये बोतलें जो है मेरी बहू को रिजेक्शन कर रही हैं, इसकी तकलीफ हो रही है, पैसा मेरा खराब हो रहा है, तुम इन बोतलों को मत ही लगाओ। रात को आज और कल सुबह मेरी बहू ने अच्छी थी, सब दो दिन पहले मैंने मना कर दिया तो बोतलें मैंने बंद करवा दी स्वयं। और बोतलें बंद करवाने के बाद जब स्टाफ चेंज हो गया तो एक लड़का संजय नाम का है, संजय अंदर जो रात को मतलब उसमें नाइट ड्यूटी थी, तो वो जैसे ही आया उसने वो बोतल लगा दी। मैं खाना खाने के लिए बाहर निकल आया, मैंने खाना खाने के बाद मैं तुरंत भीतर गया मैं, तो मैंने देखा कि मेरी बोतल चढ़ रही थी, तो मैंने तुरंत उस लड़के से कहा मेरी बोतल किसने चढ़ाई है, तो वो बोला वो बोतल हमने डॉक्टर के कहने से चढ़ाई हुई है। तो मैंने कि डॉक्टर के जो मेरे की मरीज को इन्फेक्शन हो जिसके दर्द होता है उसको मालूम पड़ती है, इनसे परसों की तकलीफ हो रही थी और मैंने बंद कराया था, मुश्किल से ठीक मेरी बहू हुई है। फिर इसके बाद वो जो बहू एकदम शरीर कपने लगा, 4-5 कम्बल डाले, डेकाडोन एवल इंजेक्शन लगाए इन्होंने, उनसे कवर नहीं हुआ और कई इंजेक्शन लगाए। फिर उन बहू को मतलब रात के 10:30 बजे के करीब ऊपर ICU में लेके गई। जब ICU में इन्होंने कवर किया वो कवर नहीं हुई तो 12-1 बजे का धीरे धीरे सुबह रात को फिर इन्होंने फोन लगाया, डॉक्टर साहब को बुलाया बड़े को, डॉक्टर साहब आए, रात भर इनका पूरा स्टाफ चक्कर का नहीं होता रहा, मेरे को दम दिलासा दिलाते रहे, जबकि करीबन मेरी अंदर से भावना आत्मा बोल रही थी कि मेरी बहू एक्सपायर हो चुकी है, जो मेरे को बता नहीं रही सही बात है। एक्सपायर की तो मतलब मैंने तो मना ही कर दिया कि एक्सपायर नहीं हुई। सवेरे तक मेरे उठ के मेरे से बोले डॉक्टर साहब खुद कि तुम इसको मैं कहूँ तो भाई साहब तुम्हारे मरीज को मैं बिरला हॉस्पिटल में एडमिट करा दूँ या अपोलो में करवा दूँ तुमको, तो मैंने कि मेरा दिमाग कोई डिसीजन नहीं ले रहा, मेरे को बहुत सभी जिंदगी साबुत चाहिए डॉक्टर साहब, मैं कोई मतलब। अरे कि खान साहब भी ऐसी बातें कर दियो तुम, बहू का हसीना नाम है और पति का असगर खान नाम है, हम पेपरुआ के रहने वाले हैं जी, पड़ता चीनोर के पास। बहू की बहू तो गुजर चुकी रात गई, ये तो मतलब 4 बजे खत्म हो गई, बहू की 26-27 साल है। अभी इस अस्पताल में कोई महिला भर्ती थी हसीना बानो जी, चिनोर क्षेत्र की रहने वाली थी, उपचार के दौरान खत्म हो गई हैं, तो परिजनों ने आरोप लगाया कि उपचार में लापरवाही बरती गई है, इस कारण खत्म हुई है। ये 4-5 दिन से इनका इलाज चल रहा था, संभवतः छुट्टी होनी थी, लेकिन इनका ये कहना है कि इलाज में कुछ लापरवाही बरती है जिसके दौरान इनकी मृत्यु हुई है। अभी हम लोगों ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, इसके बाद जो भी मांगे ये थी कि लापरवाही को देखा जाए, जो लापरवाही उनके विरुद्ध कार्रवाई करी जाए। बॉडी को भी हम लोगों ने PM के लिए भेज दिया है, जो भी तथ्य निकल कर आएगा उस पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के छावनी स्थित खुल्लासीपुरा में कुछ दिनों पहले वृद्ध महिला की हत्या कर माल लूटने वाले आरोपियों में से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यहाँ पर हमारी टीमें दबिश दे रही हैं, शीघ्र उसी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। थाना क्षेत्र में इसने लूट की वारदात को अंजाम दिया। एक और घटना भी इनसे प्रकाश में आई है जो इनके द्वारा कारित की गई थी एक अन्य साथी के साथ में, उसमें भी इन्होंने स्वीकार किया है घटनाक्रम पूरा, और उसमें भी इनकी अभी गिरफ्तारी किया जाना शेष है। सर आरोपी से क्या क्या बरामद किया गया? अभी आरोपी से एक कट्टा बरामद किया गया है और उसके पश्चात अभी विवेचना में बाकी वस्तुएं बरामद की जाएंगी। पाले क्राइम ब्रांच ने अवैध तरीके से डीजल बेचने वाले पूर्व सरपंच को गिरफ्तार किया है। पूर्व सरपंच डायरो डिपो से निकलने वाले टैंकरों के ड्राइवरों से आधे दामों पर डीजल खरीदता था, फिर आसपास के वाहन चालकों को कम दाम में बेचता था। SP नवनीत भसीन को लंबे समय से मोहना के पास जोधपुर सरकार ढाबे पर चोरी का सस्ता डीजल बिकने की शिकायत मिल रही थी। SP के आदेश पर क्राइम ब्रांच टीम बीती रात ढाबों की पड़ताल के लिए निकली थी। क्राइम ब्रांच की टीम दौरार के पास हरिओम धाकड़ और वीर सिंह धाकड़ के ढाबे पर दबिश दी तो यहाँ भारी मात्रा में डीजल से भरे ड्रम मिले। क्राइम ब्रांच ने ढाबे पर पूर्व सरपंच हरिमोहन को गिरफ्तार कर डीजल से भरे
92 ड्रम बरामद किए। घटना के दौरान दूसरे आरोपी वीर सिंह धाकड़ फरार हो गया। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने यहां से 92 ड्रम में बरामद 17,000 लीटर डीजल और आरोपी को मोना पुलिस के हवाले कर दिया। बरामद किए गए डीजल की कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस दावे पर लगभग 1.5 महीने पहले ही पुलिस ने छापा मारा था और डीजल जब्त कर ड्रम तक पहुंच भी गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई थी। कल ये हाईवे पर एक नावा है डोडा सरकार, उसके बगल की बिल्डिंग है, उसमें मुखबिर सूचना पर से क्राइम ब्रांच और मोना थाना पुलिस ने रेड देकर 92 ड्रम डीजल बरामद किया है और इसका अवैध कारोबार करने वाले हरिमोहन धाकड़ को गिरफ्तार किया है और एक उसका पार्टनर अभी फरार है, वीर सिंह धाकड़ सुभाषपुरा का, उसको शीघ्र गिरफ्तार करके पेश करा जाएगा। सर, ये क्या पूरा ऑपरेट चल रहा था इनका, इस तरह से क्या? हाँ, इसके संबंध में अब गिरफ्तार जो हुए उनसे पूछताछ कर रहे हैं। ये लोग जो किन किन टैंकरों से कहाँ कैसे जो है डीजल इकट्ठा करते थे और कहाँ सप्लाई करते थे, इस संबंध में विवेचना। कितने लगभग कितने कीमत का डीजल बरामद किया गया? ये करीब 9.5 लाख के आसपास कीमत का डीजल बरामद हुआ। शिकायतें कुछ इस तरह की मिल रही थी डीजल कम होने की, शिकायतें। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने सिटी सेंटर स्थित निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। अपन ने अभी 20-22 दिन पहले ज्ञापन दिया था, सुन लेना पहले मेरी बात को, और अगर आप लोगों को परेशानी हो तो आप लोग अपनी बात रखना और सपन कर्मचारी रखना। ठीक है, अपन लोगों ने ज्ञापन दिया था, अपन ने वो ज्ञापन को डिलीट क्यों कर दिया, ये भी आपको पता होगा कि सीतरी में अपने समाज के बच्चों के साथ कैसे निर्मम हत्या करी गई है, जिसमें ग्वालियर का आधे से ज़्यादा समाज पर मारा है। सम्मिलित कार्यक्रम में इतनी बड़ी घटना हुई थी, घटना को लेकर अपन ने अपने सारी कार्यक्रम अपने ज्ञापन विज्ञापन मैं परमानेंट हूँ, मेरी तनख्वाह नहीं आई अभी तक, मैं परमानेंट कर्मचारी सफाई कर्मचारी, मेरी आज जो है आप लोगों ने ज्ञापन देने के लिए आज सवेरे यहाँ आए हो, तो क्या आपकी मांगे और लगातार आपके आंदोलन पहले भी रहे हैं? सर, प्रथम तो हमारी निगम प्रशासन से यही मांग है और मध्य प्रदेश शासन से भी कि जैसा कि उन्होंने अपने वचन पत्र में कहा है कि ठेका प्रथा खत्म करी जाए, जैसे और उसी वचन को लेकर कहीं ना कहीं बाल्मीकि समाज ने, संपूर्ण मध्य प्रदेश के बाल्मीकि समाज ने वोट भी दिया था कांग्रेस पार्टी को, जैसा कि सरकार भी बनी कांग्रेस की, कि कहीं ना कहीं ठेका प्रथा खत्म होगा। तो मैं सीएम साहब को अवगत कराना चाहता हूं कि अपने वचन को याद करते हुए ठेका प्रथा जल्द से जल्द खत्म किया जाए और इनको निगम में शामिल किया जाए, ठेकेदार कर्मचारी। आज जैसे कि मंगलवार है और करीबन 12 बज चुके हैं अभी तक, जनसुनवाई आज जनसुनवाई का भी देना है, लेकिन आप लोग सुबह से आए हुए तो अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं की। सुबह से किसी भी अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, ना ही आयुक्त महोदय हमारे बीच आए, ना ही कोई अपर आयुक्त ही हमारे बीच आए, तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि ये कर्मचारी ना तो निगम के हैं, ना ठेके के हैं, ना शासन के हैं, तो कम से कम हमको संतोषजनक जवाब तो मिले कि हमसे कार्य कौन करा रहा है। आज अगर संतोष कौन दे रहा है, आज अगर संतोषजनक जवाब आपको नहीं मिलता तो आगे आप क्या कदम उठाओगे? हमको संतोषजनक अगर जवाब नहीं मिलता है, कोई अधिकारी हमारे बीच में आके हमारी बात को नहीं सुनता है, हमारी बात को नहीं समझता, हमको कोई जवाब नहीं देता है, तो आज से संपूर्ण कर्मचारी काम बंद का ऐलान कर देगा। शिवाजी क्लब और संस्कार ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में इस बार भी करवा डांडिया महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह स्थान का 16वां महोत्सव है जो 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक चलेगा। इस संबंध में आयोजन समिति ने जानकारी दी। कोई उसका चार्जेस नहीं है, आप इंजॉय करिए, क्योंकि काफी सारे प्राइज अवार्ड है वो हम देंगे। और इस बार जैसे कि अभी शहर में चल रहा है यातायात सुरक्षा को लेकर, यातायात सारी चीज व्यवस्था को लेकर, सफाई को लेकर, तो इस अभियान को लेकर हम कुछ थीम रख रहे हैं, तो इस बार हमने एक थीम दी है कि हेलमेट पहनकर भूखा धरना। मैं अगले 2 तारीख से लेकर 5 तारीख अक्टूबर में ये डांडिया गरबा का आयोजन किया जा रहा है, जो विगत 15 वर्षों से लगातार क्लब कराता आ रहा है। हमारे रॉबिन के सहयोग से, इनका जो ग्रुप है संस्कार ग्रुप के सहयोग से हम कराते आए हैं, और इस साल विशेष रूप से कुछ सामाजिक संदेश लेके भी हम डांडिया करा रहे हैं,
जिसमें विशेष रूप से जो इस समय हेलमेट को लेकर जो जागरूकता है, इस तरह का पानी बचाओ का अभियान है, पर्यावरण के बारे में इस तरह के रोज के संदेश रहेंगे और स्पेशल राउंड्स भी रखे गए हैं अलग अलग ऑडियंस के लिए, जिससे जो पूरे महीने ट्रेनिंग नहीं ले पाए हैं लेकिन अगर डांडिया में रुचि रखते हों तो वो आ सकते हैं। हर रोज आधा घंटा उनके लिए रहेगा और लास्ट दिन पूरे 3 घंटे का ऑडियंस राउंड रहेगा जो शहर के नाम, ग्वालियर शहर के लोगों के नाम रहेगा, जिसमें कि वो लोग आके ट्रेडिशनल ड्रेस में उनको आना है, ये कंपल्शन है कि ट्रेडिशनल ड्रेस में आना है और वो अपने आप को पूरे समय एंजॉय कर सकते हैं। बाकी और बेहतर जानकारी टेक्निकल नहीं, यह पूर्णतः निःशुल्क प्रोग्राम है जो कि हम पिछले 15 वर्षों से कर रहे हैं। पूर्णतः निःशुल्क प्रोग्राम है, इसका कोई शुल्क नहीं रखा गया, बल्कि लाखों रुपए के इनाम जरूर दिए जाते हैं प्रतिभागियों को और इसमें अलग अलग तरीके कैटेगरीज रहती हैं, तो उसमें बेस्ट कपल, बेस्ट डांसर, बेस्ट डांस। आज के लिए बस इतना ही, अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।